हमारे साथ मौजूद हैं श्रेयसी सिंह, जो कि शूटर भी हैं और विधायक भी हैं। जनता के साथ अब उनका लगातार संपर्क रहा है, लेकिन आज जो बजट पेश किया गया उसमें कितने खुश हैं, कितने दुख हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष से आती हैं, तो तमाम सवालों को लेकर के हम मैम ये बताइए कि आज का बजट कैसा रहा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है हमारे सरकार ने। ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ उनको कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लेकर इतना बढ़िया बोला। साथ ही साथ अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बिहार में खुलने जा रही है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और जिस तरह से जल जमाव की दिक्कत को उन्होंने स्पेशल अलॉटमेंट दिया है, बजट में एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम शुरू करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से 450 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है और बहुत वो दिक्कत, जल जमाव की दिक्कत हमारी भी नगर परिषद जिले में है, तो हम चाहेंगे कि जल जमाव से जल्दी हमें छुटकारा मिले और सभी काम जल्द से जल्द आगे बढ़े। मैम, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आपके भी नाम की चर्चा हो रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल किया जाएगा, क्या ऐसी उम्मीद थी कि की जाएगी फिर नहीं किया गया, तो फिर दुख तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसा ये सवाल नहीं है आपका। पार्टी ने जिसको सही समझा उनको जगह चली और हमें आशा उम्मीद रखते हैं कि वो उनसे जो भी वो चाहेंगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको अच्छे से। बिहार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे सवाल को टाल करके आगे बढ़ गए, क्योंकि सवाल जो होते हैं पत्रकारों के होते हैं जवाब देने से कतराते हैं। तो आपने देखा कि हमारे साथ विधायक बीजेपी की श्रेयसी सिंह मौजूद थी, उन्होंने बजट को बहुत अच्छा बताया है। अब देखने वाली बात है कि जनता किस तरह से इस बजट को स्वीकार करती है। जिस तरह से विपक्ष का तो ये आरोप रहा है कि ये बजट घटिया बजट है, और इसमें तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये इस बजट से किसी को लाभ नहीं होने वाला। अब आने वाले समय में देखना होगा 5 सालों में इस बजट से कितना जनता को, बिहार की जनता को लाभ होता है। अब भारत लाइव देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।